अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम टीचर इरम ऑफ फोर्थ क्लास। आई विल टीच यू जूनियर इंग्लिश एंड टुडे इट्स 8th of June एंड आवर टॉपिक इज़ लेसन नंबर 11। लूसी कम्स टू हैगवर्थी। लूसी हैगवर्थी आती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। यू विल राइट इट्स वर्ड्स मीनिंग ऑन दीज वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। स्टेपिंग आउट इन टू द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मीन चबूतरा। चबूतरे से नीचे उतरते हुए लूसी लुक्ड अराउंड एक्सपेक्टेंटली। एक्सपेक्टेंटली मीन उम्मीद से। चबूतरे से नीचे उतरते हुए लूसी ने उम्मीद से इर्द गिर्द देखा। टू अदर पीपल गोट ऑफ द ट्रेन। दो और लोग भी ट्रेन से उतरे, रेलवे से नीचे उतरे। बट अपार्ट फ्रॉम द पोर्टर देयर वॉज नो वन एल्स टू बी सीन। लेकिन वहाँ पर, पोर्टर मीन कुली, वहाँ कुली के अलावा दूसरा कोई शख्स नहीं दिखाई देता था। शी पिक्ड अप द सूटकेसेस। सूटकेसेस मीन संदूक। एंड बिगेन टू वॉक टूवर्ड्स द टिकट ऑफिस विद अ सडन सिंकिंग फीलिंग्स। उसने अपना सूटकेस मीन संदूक, उसने अपना संदूक उठाया और डूबते हुए दिल के साथ, सिंकिंग फीलिंग्स मीन डूबते हुए दिल के साथ, टिकट ऑफिस की तरफ चल पड़ी। श्योरली हर फादर हैडन मेड अ मडल ओवर द डे। श्योरली यकीनन उसके वालिद ने आज के दिन में, पूरे दिन में, ओवर द डे पूरे दिन में कोई गलती, मडल मीन गलती, कोई गलती नहीं की होगी। देखें, प्लेटफॉर्म चबूतरा, एक्सपेक्टेंटली उम्मीद से, सूट केसेस संदूक, सिंकिंग फीलिंग्स डूबते दिल के साथ, मडल गलती। नेक्स्ट, एंड देन अ रिमेम्बर्ड फिगर अपीयर्ड एट द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लीडिंग अप फ्रॉम द लिटिल कार पार्क बिलो द स्टेशन। और फिर वहाँ पर उसे एक जानी पहचानी सूरत नज़र आई। अपीयर्ड जाहिर हुई या उसे नज़र आई, चलती हुई जो कि आ रही थी। फ्लाइट ऑफ स्टेप्स लीडिंग अप फ्रॉम द लिटिल कार पार्क, जो के बिलो द स्टेशन, स्टेशन के नीचे से, कार पार्क से स्टेशन के नीचे से ऊपर की तरफ आती हुई उसे नज़र आई। फिर अचानक एक जानी पहचानी सी सूरत वहाँ नमूदार हुई जो स्टेशन से नीचे, छोटे से कार पार्क से सीधी सड़क सीढ़ियों पर ऊपर चलती हुई आ रही थी। नेक्स्ट, आंट मेबल इन द सेम हेयरी सूट दैट शी हैड सेड गुड बाय इन 5 years ago। आंट मेबल थी ये, जो कि उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने वही सेम, वही वाला सूट, हेरी बालों वाला सूट पहना हुआ था जो कि उन्होंने 5 साल पहले जब वो उसे खुदा हाफिज़ कहने के लिए आई थी तो उन्होंने पहना हुआ था। पीरिंग अराउंड शॉर्ट साइटेडली। शॉर्ट साइटेडली मीन नज़र की कमज़ोरी, नज़र के कमज़ोर होने की वजह से। ये देखें, नज़र की कमज़ोरी, शॉर्ट साइटेडली नज़र की कमज़ोरी, नज़र के कमज़ोर होने की वजह से उन्होंने इर्द गिर्द देखा। हैविंग अ लिटल एज शी गोट हर ब्रीथ बैक फ्रॉ आफ्टर द क्लाइंब। नज़र कमज़ोर होने की वजह से इधर उधर देखते हुए और एक आह भरते हुए, जैसे ही इन्होंने एक लंबी ऊंचाई चढ़ने के बाद एक लंबा सांस लिया, आफ्टर द क्लाइंब सांस लिया उन्होंने, आफ्टर द क्लाइम एक लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद, दे किस्ड ऑकवर्डली। ऑकवर्डली मीन बुरी तरह से। देखें, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बुरी तरह से, ऑकवर्डली मीन बुरी तरह से। एंड नेक्स्ट, ग्लैंस्ड। ग्लैंस्ड मीन नज़र डाली। सो उन्होंने क्या किया कि बुरी तरह से या फिर बहुत बेहंगम अंदाज में एक दूसरे को बोसा दिया। नेक्स्ट, द पोर्टर टुक लूसीज केसेस एंड प्रोड्यूस्ड अ क्रेट ऑफ बॉटल्स एंड अ पार्सल। पोर्टर कुली ने लूसी का जो सूटकेस था, जो संदूक था, वो उठाया और साथ में क्या लिया, क्रेट ऑफ बॉटल्स एंड अ पार्सल, एक बॉटल्स का क्रेट और एक पार्सल भी साथ में ले लिया। कुड मिस क्लफ काइंडली ड्रॉप देम ऑफ एट हैगवर्थी। उसने क्या कहा कि मिस क्लफ काइंडली, क्या मेहरबानी से आप ये वहाँ है हैगवर्थी पे
ये चीज़ें पहुंचा देंगी, जो क्रेट था और एक जो पार्सल था, जो एक डब्बा था। द क्रेट एंड द सूट केसेज क्वाइट फिल्ड द बैक ऑफ आंट मेबल्स स्मॉल कार। सूट केसेस, जो संदूक था और जो क्रेट थे और जो डब्बा था, उसने क्या किया, जो आंट मेबल की छोटी सी कार थी उसके पीछे वाली सारी सीट को उसने फिल कर दिया, भर गई वो जगह। लूसी गॉट इन टू द फ्रंट सीट। लूसी आगे वाली सीट पर बैठ गई। ओबियसली देर वुड हैव बीन नो रूम फॉर कैस्टर एंड गर्ल्स। सो बेशक वहाँ पर अब कोई भी जगह नहीं बची थी कैस्टर और उसकी बेटियों के लिए, कैस्टर और दूसरी लड़कियों के लिए। नो डाउट दैट वॉज वे दे हैडन्ट कम। बेशक यही वजह थी कि वो नहीं आई थी। शी ग्लैंस्ड, उसने नज़र डाली, ग्लैंस्ड मीन नज़र डाली, साइड वेज एट आन मेबल, उसने इर्द गिर्द आन मेबल को देखने के लिए नज़र डाली। ग्लैंस्ड मीन हमारे पास क्या है, नज़र डाली। आन मेबल को देखने के लिए लूसी ने क्या किया, इर्द गिर्द नज़र डाली। हु वॉज़ हंटिंग फॉर द कार कीज इन अ हैंड बैग दैट वॉज अ टर्मोइल ऑफ ग्लव्स, हैंडकरचीफ्स एंड पीसीज ऑफ पेपर। तो आन मेबल क्या कर रही थी, वो अपने बैग में से चाबियां ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो कि उसके बैग में थी। और बैग में क्या क्या मौजूद था, बैग में ग्लव्स थे, दस्ताने, हैंडकरचीफ्स, रोमाल एंड पीसीज ऑफ पेपर, और पेपर के पीसीस थे, पेपर के टुकड़े थे। हैंडकरचीफ में हमारे पास है रोमाल। उस बैग में से वो चाबियां ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिस बैग में रोमाल, दस्ताने और पेपर के टुकड़े थे। शी सीम्ड क्वाइट अनडिस्टर्ब। वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं लग रही थी। अनडिस्टर्ब मीन बिल्कुल बेपरवाह सी नज़र आ रही थी बाय देयर लॉस, जो कि चाबियां ढूंढ रही थी या जो उनकी चीज़ गुम हो गई थी, चाबियां गुम हो गई थी, तो वो इसके लिए बिल्कुल बेपरवाह थी। एंड शी हैड सेड नन ऑफ द कन्वेंशनल थिंग्स अबाउट हाउ लूसी हैड ग्रोन। और उन्होंने बिल्कुल रिवायती कोई बात ना की कि कैसे लूसी बड़ी हुई। हैड शी हैड अ गुड जर्नी, क्या उसका सफ़र अच्छा रहा। एंड हाउ वॉज हर फादर, और के उसके वालिद कैसे थे। शी हैड सिंपली एब्जॉर्ब्ड हर नीस। उन्होंने बिल्कुल सादगी से अपनी भांजी को मौसूल किया था, रिसीव किया था या मौसूल किया था, अलोंग विद द क्रेट एंड द पार्सल। और किसके साथ, एक जो डब्बा था, एक बोतलों का क्रेट और पार्सल के साथ उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ अपनी भांजी को वसूल किया। प्रेजेंटली द कीज़ वर फाउंड, और उसी दौरान चाबियां मिल गई ऑन द फ्लोर एंड दे सेट ऑफ, और वो वहाँ से चल पड़ी। आई डोंट इमेजिन यू रिमेम्बर द वे, मुझे नहीं लगता, मैं सोच नहीं सकती कि तुम्हें रास्ता रास्ता याद है, सेड आन मेबल। आन मेबल ने कहा, चेंजिंग गियर नॉइसली एज दे राउंडेड द कॉर्नर इन टू द मेन रोड। आन मेबल ने कहा कि मुझे मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें रास्ता याद होगा या तुम्हें रास्ता याद है। और फिर उन्होंने क्या किया, एक आवाज़ के साथ गियर किया और वहाँ से गाड़ी लेकर आगे चल पड़ी। गाड़ी का गियर एक आवाज़ के साथ तब्दील करते हुए जैसे ही उन्होंने गाड़ी एक बड़ी सड़क की तरफ मोड़ दी। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास क्या है, आज हम लोगों ने ये हाफ चैप्टर पढ़ना है और हाफ चैप्टर हम लोग इसका नेक्स्ट डे रीड आउट करेंगे। सो इसके वर्ड्स मीनिंग ये लिखे हुए हैं, ठीक है, आप इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे साथ साथ, और बहुत केयरफुली आपने इसकी रीडिंग करनी है चैप्टर की, और इसको लर्न करना है, वर्ड्स मीनिंग आप याद करेंगे, और इसको ट्रांसलेशन के लिए आप लोगों ने चैप्टर को करना है, ठीक है। टुडे इट्स आवर लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड एंड हेयर आर आवर वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। प्लेटफॉर्म चबूतरा, एक्सपेक्टेडली उम्मीद से, सूट केस, सूट केस से संदूक, सिंकिंग फीलिंग्स, डूबते दिल के साथ, मडल गलती, शॉर्ट साइटेडली नज़र की कमज़ोरी, ऑकवर्डली बुरी तरह से, ग्लैंस्ड नज़र डाली, हैंडकरचीफ्स, रुमाल, अनडिस्टर्ब्ड, बेपरवाह। सो लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड एंड गुड लक, अल्लाह हाफिज़।